और इलेक्शन कमीशन ने 114 जंग से फैसल साले हयात की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। फैसल साले हयात के वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महबूब सुल्तान ने 1,06,043 वोट लिए। फैसल साले हयात ने 1,05,054 वोटों से दूसरे नंबर पर रहे। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह बताया गया है और यह भी कहा गया कि कामयाब उम्मीदवार से सिर्फ 589 वोटों का फर्क है। रिटर्निंग अफसर ने हमारी दरख्वास्त पर 10 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की और दोबारा गिनती में वोटों का फर्क कम होकर 511 हो गया। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती के दौरान पोस्टल बैलेट पेपर्स भी गिनती में शामिल किए हैं। वोटों का फर्क कम होने से रिटर्निंग अफसर के पास इख्तियार है, पूरे हलके में दोबारा गिनती कर सकता है। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसल साले हयात का ये केस का मामला है। फैसल साले हयात ने इलेक्शन कमीशन में उनके इलेक्शन कमीशनर के केस पर फैसला महफूज कर लिया और इलेक्शन कमीशन में के दो रुकनी बेंच ने केस की जमानत की और जो फैसल साले हयात ने दोबारा गिनती की सदा की थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि दोबारा पटिशन दायर कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इस केस पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन किसी टाइम भी इस केस पर फैसला सुना सकता है। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे।